नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ और इस समय मैं हूँ ऋषिकेश में, और जो ऋषिकेश है ये आता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कल मैं अमृतसर से हरिद्वार आया था, और हरिद्वार से फिर ट्रेन से ही एक ट्रेन मिल गई थी, उससे ऋषिकेश आ गया था। यहाँ पर मैं हॉस्टल में ठहरा हूँ, जॉयस हॉस्टल, और जिसका एक दिन का मेरा पड़ा है लगभग 270 रुपये एक दिन का। मैंने 3 दिन की मेरी भी यहाँ बुकिंग है, तो काफ़ी बजट में मिल गया। हॉस्टल भी काफ़ी बढ़िया है, एसी है, पंखा है, एक बेड मिल जाता है, और लगभग 4 मंजिल का पूरा हॉस्टल है। उस पर एक कैफे पर ऊपर कैफे है और खुला भी है, आप मतलब ऊपर से अच्छा भी दिखता है शानदार पहाड़ों का। तो कुछ ये ऋषिकेश का ऐसा मामला है। तो भाई हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं। हल्की फुल्की मतलब बारिश, अभी तेज़ बारिश हो गई थी शुरू, तो हमें रेनकोट पहनना पड़ा, और हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी इसलिए हमें पहने ही रहेंगे, क्योंकि बार बार उतारो बार बार पहने कौन सिस्टम करे। तो बाद मानसून में ऋषिकेश घूमने के लिए आपको ऐसा रेनकोट पहन के चलना ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लक्ष्मण झूला के पास में ही हैं, कुछ बाजार है लक्ष्मण झूला के पहले। तो अब हम पैदल पैदल आ गए हैं लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सामने है लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला अभी बंद है क्योंकि कुछ मरम्मती का कार्य चल रहा है। लगभग 6 महीने पहले आया था, तब भी यहाँ पे काम चल रहा था, उस वजह से बंद था। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ लोग वहाँ भी JCB लगी हुई, मशीन लगी हुई है, और भी लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण झूला बस जब चालू हो जाता है, मतलब चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ आने के एक रास्ता है कि राम झूला के तरफ ऑटो लेके यहाँ तक आइए, पैदल पैदल नीचे आ जाइए। दूसरा रास्ता है कि राम झूला आइए, वहाँ से पुल पार करिए, और फिर लेफ्ट साइड पैदल पैदल आएंगे तो 1 किलोमीटर लगभग चलेंगे, तो मतलब नीलकंठ वाला रास्ता रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो लक्ष्मण झूला का यही रास्ता है, हम बस इसको देखने आए थे कैसा है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ से राम झूला की तरफ बढ़ेंगे। और इसके अलावा अभी फिलहाल मतलब बारिश बहुत तेज है, मानसून गंगा बहुत तेज बह रही है, इस वजह से सारी जितनी एक्टिविटीज होती हैं, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और जो जो भी होता है, कायाकिंग जो भी यहाँ पे होता है, सारी बंद है, क्योंकि बारिश के वजह से ये रिस्की होता है। वैसे तो ऋषिकेश में वैसे तो मैंने बहुत सारे घाट घूमे, मतलब ज़्यादातर घाट घूमे, त्रिवेड़ी घाट उस साइड, पूरा उस साइड चले जाते हैं, रामझूला साइड, परमार निकेतन साइड वाले सारे घाट, लेकिन जो घाट मैंने नहीं घूमा था वो है ये वाला घाट। ये मूर्ति दिख रही है यहाँ पे, इस पहली बार मैं इधर आया हूँ। इस घाट का नाम है सार्वजनिक तपोवन घाट। आप लक्ष्मण झूला के आगे आएंगे तो एक रास्ता नीचे की ओर चला जाता है, तो वहाँ से वहाँ माल आपको ये वाला घाट मिलता है, और बेहद प्यारा सुंदर घाट है। अब हम घाट पे आ गए हैं, सार्वजनिक तपोवन घाट, कुछ इस प्रकार ही नीचे से दिखाई देता है। यहाँ पे भगवान शंकर की मूर्ति है, ये शायद गंगा माता की मूर्ति है, और ये भागीरथ जी की मूर्ति है। तो इन्होंने गंगा को धरती पर बुलाया था, तो गंगा जी भगवान शंकर के जटा के माध्यम से धरती पे आई थी। इसके अलावा यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो अपने शयन सैया पे अपने क्षीर सागर में मतलब जैसे दर्शाया गया है, तो ये कुछ मूर्ति इस प्रकार दिखाई देती है। और अब बिल्कुल आपको बिल्कुल नीचे से नीचे चलता हूँ, नीचे दिखाता हूँ कैसी गंगा इस समय, गंगा का बहाव कैसा है। तो ये देखिए गंगा मैया कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है अभी, तो ये काफ़ी तेज है, मतलब बहुत तेज बहाव है, बहुत तेज बहाव, और पूरा मतलब कल बारिश हुई तो पूरी धुंध फैल गई है पहाड़ों पे, आप देख सकते हैं, मतलब मौसम एकदम ठंडा हुआ रखा है, और
ये पूरा एकदम ठंडा है भाई। और ये वहाँ दिख रहा है लक्ष्मण झूला, जो भी मरम्मतीकरण चल रहा है तो बंद है। और ये है 12 मंजिल का कोई मंदिर है, ये पिछली बार आया था तो मैं उस साइड गया था, देखा था काफ़ी ऊंचाई से, अच्छा भी वहाँ से भी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो बेहद मतलब मज़ा आ गया। और मानसून में मेरे ख्याल से ऋषिकेश सबको आना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि मानसून में गंगा किनारे गंगा में उतरे ना, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। गंगा से थोड़ा दूर ही रहें, गंगा में ना पैर डालें ना हाथ धुलें, मैं तो यही सुझाव दूंगा, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से फोटोबाजी या किसी चक्कर में वो नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए दूर से ही देखें, गंगा मैया को प्रणाम करें और अपने आगे ऐसे ही घूमें ऋषिकेश, तो आपको मज़ा आएगा। और बारिश में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो अपना घूमें, तो हल्की फुल्की बारिश हो तो अपना घूमने निकल जाए रेनकोट लेके। तो मैं भी इसी तरह से घूम रहा हूँ। कल बहुत तेज़ बारिश थी, 4 बजे से हो रही थी, हम जब आए थे रात लगभग 10 बजे तक हुई, हम निकले ही नहीं भाई। हमने सोचा कि कम होगी तो निकलेंगे, लेकिन कम नहीं हुई तो हम निकले नहीं। हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि रेनकोट पहने, थोड़ा और भीगते लेकिन निकल सकते, लेकिन हमने सोचा कल आराम से घूमेंगे। तो आज बिल्कुल बारिश अभी नहीं हो रही, हल्की फुल्की हुई थी तो हम फिर भी निकल पड़े थे। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही आपको भी घूमना चाहिए। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे रोड की तरफ, वहाँ से राम झूला वाला ऑटो पकड़ेंगे और राम झूला की तरफ बढ़ेंगे। अगर एक बात और बता दूँ, अगर आपको नीलकंठ जाना है तो ये उस तरफ दिख रहे हैं आप, उस तरफ वो वाला रोड एक रोड है, वो वहाँ पर मतलब लक्ष्मण झूला के पास आपको या राम झूला के पास आपको मतलब वो मिल जाती हैं, शेयरिंग वाली भी वो चलती हैं, जीप चलती हैं, इसके अलावा बुक भी कर सकते हैं, वो भी जाती हैं। तो लगभग उस तरफ से रास्ता गया 15-20 किलोमीटर शायद है इतना है, तो आप उससे वहाँ जा सकते हैं। तो मैं पिछली बार आया था वहाँ गया था। तो आप थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर आगे ऋषिकेश को और ऋषिकेश की और जगहों को देखने के लिए बढ़ेंगे। लक्ष्मण झूला के बाद अब हम आ गए हैं राम झूला के पास एक घाट पे। तो लक्ष्मण झूला को देखने के बाद हम मतलब अपने हॉस्टल गए, वहाँ पे आधा घंटा रुके, क्योंकि आज मौसम ठंडा ज़रूर है, धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। तो हम वहाँ से ऑटो ली, फिर उसके बाद आधा घंटा रुकने के बाद ऑटो ली और राम झूला आए। और राम झूला कुछ यहाँ से घाट से इस प्रकार यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है राम झूला। लक्ष्मण झूला पे तो कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन राम झूला पे है भीड़, लेकिन उतनी नहीं है जितना मतलब नॉर्मल सीजन में होती है, क्योंकि पूरा फुल भरा रहता है, जगह नहीं मिलती। अभी तो बिल्कुल खाली, आराम से आप फोटो वोटो वीडियो वीडियो बनाते हुए आराम से चल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, हालांकि यहाँ थोड़ी दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ थोड़ा रस है, लेकिन बहुत ज़्यादा। घाट से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है पुल, और ये दिखाई दे रही है गंगा मैया। तो ये पूरा घाट यहाँ पे खाली पड़ा रहता था, यहाँ तक नीचे तक पूरा भरा हुआ है, पानी का बहाव तेज़ है, कई जगह पर लिखा है पानी का बहाव तेज़ है, आगे ना जाएं। और इसके अब हम यहाँ से घाट से जा रहे हैं बीटल आश्रम, जो परमार्थ निकेतन के आगे थोड़ा आगे जाएंगे 500 मीटर तो आगे, उसे 84 कुटिया भी कहते हैं। तो हम उसी को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो राम झूला से पैदल चलते चलते हम लोग परमार्थ निकेतन की तरफ से अब पहुंच गए हैं जानकी पुल के तरफ। मतलब यहाँ से मैं आपको जानकी पुल दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये है जानकी पुल। पिछली बार मैं आया था 5-6 महीने पहले, तब जानकी पुल शुरू नहीं हुआ था, और लक्ष्मण झूला तो बंद था, मरम्मती कार्य चल रहा है, राम झूला खुला हुआ है अभी भी, अब जानकी पुल भी खुल गया है, तो आप इसको भी पैदल पार कर सकते हैं। तो अगर मतलब रास्ते में अब जब मतलब ऋषिकेश से आएंगे तो यहाँ पहले आपको जानकी पुल ही पड़ता है, और अब राम झूला से पैदल पैदल परमार्थ निकेतन के आगे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके थोड़े ही आगे जाएंगे तो फिर बीटल आश्रम है, तो आप एक साथ ही दोनों चीज़ें घूम सकते हैं, जानकी पुल और बीटल्स आश्रम और राम झूला भी, तीनों। अब थोड़ा ही और बीटल्स आश्रम रह गया है, और जानकी पुल से आप जानकी पुल के सामने से ही एक पैदल रास्ता जाता है नीलकंठ की तरफ, अगर आपको पैदल जाना है। इसके अलावा पीछे टैक्सी स्टैंड था, वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, जीप जाती है शेयरिंग में भी, और बुक भी कर सकते हैं। तो ये रास्ता यहाँ से आ रहा है जानकी पुल का,
सामने जा रहा है बीटल आश्रम और लेफ्ट साइड में जा रहा है नीलकंठ टैक्सी स्टैंड जो नीलकंठ महादेव मंदिर वहाँ। ये देखिए जानकी चौकिया बाहर इतना सुंदर दृश्य दिखाया गया है। जानकी पुल रामझूला लक्ष्मण झूला की तुलना में काफ़ी बड़ा है और कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसमें दो लाइन है, एक दोनों हैं गाड़ियों के लिए, गाड़ी इस तरह से जाती है इस तरह से आती है और इधर है बीच में आने जाने वाला पैदल वालों के लिए, तो यह है पैदल रास्ता, तो हम इसी पर जा रहे हैं। नाम है सिस्टीज बैटल बीटल्स कैफे, जो बीटल्स कैफे है जैसे वहाँ पे बीटल्स आश्रम है उसी के नाम पे यहाँ पे सिस्टीज बैटल कैफे के नाम पे कैफे है। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा कैफे, ये कुछ इस प्रकार एक कैफे दिखाई देता है। यहाँ पे पूरा सिस्टीज की फोटो और बीटल्स का, बीटल्स एक बैंड था जो यहाँ पे सिस्टीज के दौर में आया था, उसने गाने लिखे तो उसी आश्रम में, जो आश्रम में घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो एक कुछ दीवार पे उन्हीं के चित्र बना हुआ है पूरे उन्हीं बैंड वालों की, ये कुछ उनके बारे में कुछ पेंटिंग भी है, ये कुछ या फिर पूरा इस प्रकार दिखाई देता है। ये तपोवन के पास है, तपोवन में है और कर्मा कैफे है उसी के सामने है। तो हमने यहाँ पे पिज्जा और एक जूस ऑर्डर किया है जो आने वाला है थोड़ी देर में, तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे कैफे। बज गए हैं 8 और हम लोग बीटल्स आश्रम में आए थे 3-4 बजे यहाँ पे खाना खाने के लिए। हमने खाना खाने बैठे और 4 बजे बारिश शुरू हुई और लगभग 3-4 घंटे तक लगातार काफ़ी तेज बारिश होती रही और एकदम मौसम पूरा ठंडा हो गया। और अभी फिलहाल कुछ ऐसा ऋषिकेश रात को दिखाई दे रहा है। तो लगातार हम 2 दिन से शाम के समय बारिश का सामना कर रहे हैं। कल भी बहुत तेज बारिश हुई थी 3-4 घंटे और आज भी काफ़ी बारिश हुई है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, आपको एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें।